वेलकम वेलकम। तो चलिए आज हम बना रहे हैं हेल्दी ओट्स, जो कि नाश्ते में झटपट बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाती है। हम इसे बना रहे हैं 3 लोगों के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं हम ओट्स 6 चम्मच। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ मैं, खजूर, अखरोट, बादाम, किशमिश आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। 1.5 चम्मच हनी, 2 गिलास दूध, सेब, नाशपाती, केला आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ले सकती हैं। सारे फ्रूट्स को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। खजूर के भी बीज निकाल के उन सबके भी छोटे टुकड़े कर लेंगे और साथ ही अखरोट और बादाम के भी छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो सभी को हमने काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ये देखिए। गैस ऑन करेंगे और हम रखेंगे उस पर एक पैन, और जो हम 2 गिलास दूध लिए थे उसे इसमें डालेंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर हल्का गर्म होने देंगे। चलिए अभी हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे ओट्स और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि इसमें किसी तरह का लंग्स ना पड़े। अब इसे ढककर एक उबाल आने तक पकने देंगे। तो अब इसे खोलकर देखते हैं, और एक उबाल आ चुकी है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ठंडी हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे हनी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच हनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे 1/2 चम्मच हनी एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। अब इसमें डालेंगे सारे कटे हुए फ्रूट्स, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद अब इसमें डालेंगे सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, खजूर और किशमिश, के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। वैसे तो खजूर और किशमिश मीठे ही हैं और सारे फ्रूट्स भी मीठे हैं, तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप खजूर अवॉइड कर सकते हैं। अब इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है, यकीन माने ये खाने में भी लाजवाब है। अगर अपना वेट कोई कम करना चाहते हैं तो इसे बनाएं और खाएं और देखिए इसका फ़र्क। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें।